कल घर में हुई थी एक बड़ी लड़ाई अली और अभिनव के बीच में। तो आइए करते हैं उसी का एनालिसिस कि आखिर कौन सही था कौन गलत था और लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई। आइए जानते इस वीडियो में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अली जो है वो ब्लॉक कर देते हैं मेन गेट को, घर के अंदर जाने वाले गेट को, क्योंकि आती है पर्सनलाइज सप्लाई ऑफ कॉफी, जिसको जो भी टीम वो जाके कॉफी लेती है उसको 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अली का गेट ब्लॉक करने का साफ रीजन यही था कि उनकी टीम से कोई नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे निकी जो थी वो चली जाती है अगर घर के अंदर कॉफी लेने के लिए, तो सीधे सीधे उनकी टीम को 100 पॉइंट से बढ़ाकर लिखने पड़ते। और वहीं अगर रेड टीम से कोई सदस्य जाता तो रेड टीम को अगर 100 पॉइंट मिल भी जाते तो एक बार को जो रेड टीम ने इतनी बड़ी लीड ले रखी थी वो पीछे हो जाती उनकी लीड। तो ऐसे में अली ने यहाँ पे गेट ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि आप यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, मैं देखता हूँ कोई अंदर कैसे जाता है। अब जब अली ने बोल दिया कोई नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं जाएगा ना, ना येलो टीम से ना रेड टीम से, लेकिन जैसे ही देवलीना अग्री करती है अंदर जाने के लिए तो यहाँ पे अली पलट देते हैं अपनी बात को। वो देवलीना को अंदर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद अभिनव यहाँ पर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी बात पर नहीं टिक पाए, तुम खोखली धमकियां देते हो कि कौन जाके दिखाएगा ये वो फलाना ढिकाना, ऐसे करके जो भी बातें अली बोल रहे थे उसी के बारे में अभिनव बोलते हैं कि तुम यहाँ पे खोखली धमकियां मत दो, तुम कुछ कर पाए नहीं हो। जाने दिया देवोलीना को, जब राखी भी जाने के लिए कह रही है तो तुम अग्री करो, यानी कि तुम्हें सिर्फ अपनी टीम को जाने नहीं देना था, तो यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं थी कि कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद जो है देवोलीना भी कहीं ना कहीं स्लिप मार रही थी अपनी टीम पर, तो वो तो धोखेबाजी कर ही रही थी, तो उनका सीन भी अलग है। वो भी फिर दोबारा अंदर चली जाती है जब राखी कॉफी लेकर आती है। इन ऑल यहाँ पर कई सारा जो है बहुत सारा मसला खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अली और अभिनव की लड़ाई जो है गहराती जाती है। अली यहाँ पर अभिनव को बंदर बुलाते हैं, उनको थूक कर जाते हैं उनके आगे कम से कम 4-5 बार। अली ये कहते हैं कि और उनसे कहते हैं कि अभिनव से कि तू चाटिए, जिसके बाद अभिनव रिप्लाई में कहते हैं तेरा थूका हुआ तू ही चाटेगा क्योंकि तेरी ही खोखली धमकियां होती है। इन ऑल यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे अली लड़ते लड़ते ये भूल गए कि उन्होंने कभी अभिनव के साथ अच्छे खासे रिलेशन शेयर किए थे, और इस तरह उनके सामने 5 से 6 बार थूक कर जाना, उनको नल्ला बुलाना और उनको वो सारे शब्द बोलना जो राहुल वैद्य एक समय पर बोला करते थे, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वहीं अभिनव अपनी डिसेंसी में रहकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। वो जो है अली को रिप्लाई जरूर कर रहे थे, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे थे, एक लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे थे, जो कल हम लोग ने यहाँ पर अली को क्रॉस करते हुए देखा। अली को इवन ये तक बोलते हुए देखा कि तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अब भाई यहाँ पर क्लियरली नजर तो आ रहा है कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिर भी आपकी राय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए करते हैं कमेंट सेक्शन में इसी की चर्चा कि आखिर कौन सही कौन गलत। आइए बताइए हमें जल्दी से, आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े भी रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हमें आप तक पहुँचानी है।